मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम ये दास्तान नहीं है, ये सबक है। ये दास्तान नहीं है, ये सबक है, ये पैगाम है, ये कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। लोग शहीद होके इज्जत पाते हैं, और मैं कहता हूँ हुसैन ने शहादत को इज्जत अता कर दी। लोग शहीद होकर इज्जत का ताज सर पे सजाते हैं, लेकिन हुसैन ने शहीद होकर शहादत के सर पे इज्जत का ताज सजा दिया। लोग कुर्बान होकर बड़े बनते हैं, और हुसैन ने कुर्बानी कुर्बान होकर कुर्बानी को बड़ा बना दिया। लोग अल्लाह के नाम पे लुट कर पिट कर मिट कर वो कामयाबी के तराने कामयाबी के जीने तय करते हैं, और हुसैन ने लुट कर पिट कर मिट कर और अपने आप को फना करके कामयाबी का को इज्जत का मफहूम पहना दिया, इज्जत का लिबास पहना दिया। इसलिए तो मैं अपनी तरफ से लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरे नबी ने कहा जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन। मेरा रब कहेगा जन्नत से, ए जन्नत मैंने तुम्हें खूबसूरत, अरे वो जन्नत है पहले ही बड़ी सोनी है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए सुनो। और बड़े ज़माने बाद हदीस याद आई, मेरे नबी ने मेरे अल्लाह फरमाएंगे ए जन्नत मैंने तुम्हें हसन और हुसैन से खूबसूरत बना दिया। शहादत को हुसैन ने खूबसूरत बनाया, कुर्बानी को आले रसूल ने खूबसूरत बनाया, कामयाबी को आले रसूल ने मफहूम पहनाया। अल्लाह के नाम पर मर मिटने के लाजवाल माना समझाए, अल्लाह को पा लेने के लिए क्या कहाँ तक जाया जा सकता है करके दिखाया। अल्लाह को पाकर सब कुछ खोकर क्या किया जा सकता है, करबला वो पैगाम है।